हम का गुलाम था, गुलाम से बदला वो सीधा साधा आदमी साधारण आदमी। दिन भर लोग उससे मजाक करते, जिंदगी करते, उसको छेड़ते, परेशान करते, बेवकूफ बनाते, उसको परेशान करते रहते, बेवकूफ बनाते रहते। सीधा आदमी का किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, हंसता रहता, मुस्कुराता रहता, हंस के इधर जाता, हंस के उधर जाता, एकदम सीधा आदमी बदला। ऐसे सीधे आदमी को हम लोग अपने माहौल में बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ कहते हैं। कलकत्ता के माहौल में, खासकर खिदमपुर में दूर है तो बगड़ा जैसा भी था, दूर था, सीधा था, सादा वो, लेकिन अपने नबी का सच्चा आशय था, अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करता था। बाबा लेकिन नवाज साहब ने हज पे जाने का प्लान बनाया, उनको ख्याल आया कि बगड़ा को साथ लेकर चलता हूं। रास्ते भर वो सामान की भी हिफाजत करेगा, हमारी हिम्मत भी करेगा। आए बर्रा की बात पर्रा नजीर साहब, देखो मैं जा रहा हूं जी बैतुल्ला के लिए, वहीं से मैं रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को भी जाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें भी साथ लेता चलूं, तुम क्या कहते हो? एक आशिक रसूल के लिए इससे बड़ी भी कोई नेमत हो सकती है क्या? इससे बड़ी भी कोई दौलत हो सकती है क्या? बर्रा की आंखों में आंसू आ गए। ये नवाब साहब, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? आप मुझे मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? मुझसे दिल लगी तो नहीं कर रहे ना? मैं नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये नवाब साहब, आप मुझसे दिन भर मजाक करते हैं, मैं कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन इस मामले में मजाक मत कीजिएगा। बाजार
सामान खरीदे तो आप कॉम्प्लेक्स समझा था, कॉम्प्लेक्स समझते कि तुम मस्जिद से निकले हो छह बरात से पहले तो कोई कागज दे दे हाथ में, ये शबे बरात के फजाइल के नवाफिल, रमजान के शबे कद्र के फजाइल, ये जो कागज मिलता है इसी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कागज बट रहा था, कॉम्प्लेट बट रहा था सबको, हमाद साहब के सारे दोस्तों को एक कागज दिया गया, हमाद साहब के हाथ में भी एक कागज आया। जैसे ही हमाद साहब के हाथ में कॉम्प्लेट आया, हमाद साहब के फोटो पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने मनी मन में प्लान बना लिया कि भर्रा को बेवकूफ बनाना है, भर्रा से मजाक करना है। आए और नबी का रौदा छोड़ने का वर्रा, वर्रा के दिल से पूछो कि आपके दिल पर क्या बीत रही है। आका का रौदा को छोड़कर आते आशिकीन सब रोते हुए आते हैं, आज वर्रा के दिल में भी ऐसे ही बात लगी है नबी का रौदा छोड़ना है। दीवानगी के आलम में बताना थे नबी को बुला रहा है, सामान की टकिंग में लगा है नमाज साहब पहुंचे, वर्रा ओ वर्रा, वर्रा चौंका, नमाज साहब आ गया, अब वर्रा आ गया, ये देखो क्या ही है साहब। अरे पूछते हो क्या है, तुम्हारा क्या है, अपना दिखाओ। मेरे पास तो नहीं है नवाब साहब, ऐसी बात कर रहे हो वर्रा, देखो मजाक मत करो, देखो मेरे पास है, मेरे सारे दोस्तों के पास है, हम सबको मिला है, तुम्हारा क्या है। मैं नवाब साहब मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिला। क्या तुम सच कह रहे हो नवाब साहब, सच कह रहा हूं। कौन टेंशन में नवाब साहब है, वरन ने पूछा कि नवाब साहब इतने परेशान क्यों है, क्या है उसका घर में, क्या है ये। नवाब साहब ने कहा कि वरन ये सनद है, सनद ये सर्टिफिकेट है, काहे की सनद है, काहे का सर्टिफिकेट है। नवाब साहब ने कहा जिस जिसकी हाजिरी कभी ये बात में कबूल फरमा ली है, खातमुल हरमैन ने सबको सनद बना करके दिया है, सबको सर्टिफिकेट बना करके दिया है, पर रात तुमने ऐसी कोई सनद नहीं मिली है। नहीं नवाब साहब, मुझे तो ऐसी कोई सनद नहीं मिली, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। इसके माने ये बता कि नबी बात में तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं की है, नवाब साहब को मजाक कर रहे थे, नवाब साहब को दिल लगी कर रहे हैं, वो समझने वाले में कितना बड़ा मजाक कर रहा हूं, कितनी बड़ी दिल लगी हो गई है। और मैं इसके माने ये है कि नबी पाक ने तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं की है, वरना खादिमुल हरमैन तुम्हें भी सनद देते। नवाब साहब अभी कह ही रहे हैं, वरना को एक सदमा सा लगा है, खड़ा तबका सदमा बर्दाश्त कर सका। धीरे 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 बंदा बैठता चला गया, सत्य के आलम में आ गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। नवाब साहब हंस रहे हैं, वो समझे भी नहीं कि मर्रा पर क्या बीत गई है, मर्रा की हालत क्या हो गई है। नवाब साहब हंस रहे हैं, उनके दोस्त मजाक कर रहे हैं, और मर्रा सत्य के आलम में है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इतना बड़ा सदमा पड़कर मर्रा बर्दाश्त न कर पाया है, बैठा ही रहा। अब धीरे धीरे जब सोचने की ताकत बहाल हो रही है, समझने की शक्ति बेदार हो रही है, जब हालात का जायजा लिया है बर्रा ने, सारी बात अब जब उसको याद आई है नवाब साहब की, तो बर्रा ने रोना शुरू किया है, रोते हुए बर्रा खड़ा हुआ है और दौड़ना शुरू किया है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहता हुआ बर्रा दौड़ता चला जा रहा है। नवाब साहब ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन जब तक बर्रा दौड़ता हुआ दूर निकल चुका था, दौड़ते दौड़ते बर्रा सीधे
दस्ते बाग से वो जन्नत की बशारत ली, जन्नत की सनद ली है बर्रा ने, जिस पर पूरी तहदीर है बक्तुम के नंदार बर्रा, उस पर जहन्नम की आग हराम है। अब बर्रा की हालत क्या हुई होगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम नॉर्मल हालत में, नॉर्मल पोजीशन में आपका निशान के रोजे पर जाए और वहां नबी पाक का दस्ते करम नजर आ जाए, नबी पाक के हाथ शरीफ की ज़ियारत हो जाए, हिमालय नहीं हो जाएंगे। और उसी हाथ से, उसी दस्ते करम से अगर हमें जन्नत की शरण मिल जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए, उसी अपने हाथ से दे दे, क्या हाल होगा हमारी दीवानगी में। तो हमारा हाल है बर्रा, जो पहले से दीवाना बना बैठा है, जो पहले से दीवानगी की आलम में है, जो पहले से मरहमतगी की आलम में है, जिसके रोता गया था वैसे ही रोता आ रहा है। फर्क इतना है कि बर्रा की आंखों में आंसू भी
को निकाला। ये देखिए नवाब साहब, ये देखिए क्या है ये बंदा। नवाब साहब आपने अपनी सनद दिखाई थी, अब पढ़ना की सनद भी देख लीजिए। नवाब साहब ये तेरे नबी ने अपने दस्ते कर्म से मुझे दिया है। ये नबी तहरीर देख रहे हैं आप कि मेरे नबी ने अपने हाथ से मुझे जन्नत की सनद दी है। अभी उम्र ना था वरना तुझ पर जन्नत की याद हराम है। जिसे हम बदला समझते रहे, जिसे बेवकूफ समझते रहे, हकीकत में उसका मकाम बहुत आला था, उसका मर्तबा बहुत आला था। हम उसके मकाम को न समझ सके, मर्तबा को न समझ सके। नवाब साहब रोने लगे, रोते रोते उस नूरी तहरीर जो बगा के हाथ में थी उसको अपने पंखों से लगाया, अपनी आंखों से लगाया, अपने सर पर रखा। रोते रोते बगा नवाब साहब बगा के कदमों में गिर गए। बगल इस सहारा के कर नवाब साहब को खड़ा किया है। नबी पाक की मोहब्बत पर जब नमाज की है तो कैसे नमाज की है, नबी की मोहब्बत पर जब उरूज देती है तो कैसे उरूज देती है, नबी की मोहब्बत जब मेराज पर आती है तो कैसे मेराज पर आती है, रसूल की मोहब्बत जब मेराज पर आती है तो एक काले मेराज को तमाम मोमिनों का इमाम बना देती है। नबी की मोहब्बत जब मेराज पर आती है है। बस जरूरत इस चीज की है कि उस नबी को टूट कर चार जाए, उस नबी से टूट कर